हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल गुड। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर तो अपना ख़त्म हो गया था और आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर। यानी यहाँ से अपन अगर थोड़ा सा लेके चलें तो इनऑर्गेनिक अपनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और ये इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर है आप लोग सब जानते हैं इसको अच्छे से अच्छी भली भांति से कि क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। यानी ये जो चैप्टर है इसका कुछ पोर्शन हम लोग नाइन्थ क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने थोड़ी एनटीएससी की तैयारी भी की होगी तो उनको भी पता होगा कि अगर हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़ते भी हैं, क्वांटम भी पढ़ के आते हैं टेंथ में। वही चीज़ें आप लोग दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो इलेवंथ का थोड़ा सा मिक्स करके और नाइन्थ का भी थोड़ा रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ी याद आ जाए, ठीक है। जनरली ये चीज़ें कोई डिस्कस नहीं करता जो हम लोग इसमें पढ़ाते हैं इनऑर्गेनिक में इस पोर्शन को, तो जनरली सीधा हम लोग रेडियस से नेशनल एंथैल्पी से और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट आप लोग ये लेके चलोगे कि अगर मान लो यहाँ से डिस्कस कर रहे हो तो कम से कम इतना लेके चलना कि भाई ये चीज़ हम पूरा थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, और सारी थ्योरेटिकल बातें आपको पहले से ऑलरेडी पता है तो उन बातों को अच्छे से डिस्कस करके चलना है, राइट। मतलब कन्फ्यूज़ मत होना बहुत सारे, क्योंकि फैक्ट्स पे चलेंगे सारे, और फैक्ट्स जो हमने नाइन्थ पढ़े हुए हैं वही है, कोई चीज़ बदलेगी नहीं। जैसा आपने पढ़ा हुआ है उन्हीं चीज़ों को सब बार 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 रिपीट करके और उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है। फिर भी मैंने आपके पास क्वांटम में या पीरियोडिसिटी के अंदर, सॉरी आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर किसी को प्रॉब्लम होगी तो उसको रेगुलर अपने डिस्कस करते रहना, क्योंकि जो हमारे आगे एग्ज़ाम होने हैं उसके अंदर आपके पास इन्हीं दोनों यूनिट का कॉम्बिनेशन आना है, तो थोड़ा सा टैली करके चलना। आइए हम लोग जो देखते हैं वो आपके पास देखते हैं क्या कि क्लासिफिकेशन है हमारे पास किसका, ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी। ये जैसे दो पार्ट में दे रखा है, हम लोग सबसे पहले क्लासीफाई करेंगे आपके पास एलिमेंट का, उसके बाद हम लोग उसकी जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करूँ या पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करूँ, तो सब जानते हैं पीरियोडिक टेबल के हम लोग जितने भी हम लोग शुरू से देखते हैं साइंस में, अगर सबसे पहले चीज़ कोई एंट्री होती है खासकर केमिस्ट्री में तो वो पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले मैं अगर मैं जिक्र करूँ तो ओल्ड डेज़ की बात करता हूँ, जब हमारे पास पुरानी पीरियोडिक टेबल की अगर बात करते हैं, जो हमारे पास ओल्ड पीरियोडिक टेबल था, अगर हम लोग उनकी बात करते हैं या हम लोग बात करते हैं 18th सेंचुरी की, जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट ही कम थे, क्या आपको याद होगा हमारे पास अगर हम लोग 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ओनली 31 थे हमारे पास, याद है ना, 9th में बताते थे टीचर कि ओनली 31 एलिमेंट थे। फिर 63 साल बीते यानी 1863 तक हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हो गए, 63। जब तक मेंडलीव आया था तो मेंडलीव के आने से हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट की भी जो संख्या है वो भी आपके पास रेगुलरली इंक्रीज हुई थी, क्योंकि साइंटिस्ट उन चीज़ों के लिए लग रहे थे और लगते लगते उनके पास ये था कि भाई डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट, हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो रेगुलरली इंक्रीज हो रहे थे, वहाँ से आपके पास आइडिया आ जा रहा था कि भाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके पास कितने होंगे। तो 18th सेंचुरी की अगर बात करते हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने थे, ओनली 31 थे। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हाँ डिस्कवरी होती गई, टाइम बीतता गया डिस्कवरी होती गई, मेंडलीव के यहाँ आप तक, मतलब मेंडलीव जब तक आया 1863 तक, तो वहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास कितने हो गए थे, 63। आज की डेट में बात करते हैं तो हमारे पास 118 एलिमेंट है, जिसमें मैन मेड आपके पास आर्टिफिशियल से लेकर नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं उनकी अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 118 है, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग बात करते हैं नेचुरली अकरिंग तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम लोग बात करते हैं 65% से ज़्यादा एलिमेंट नेचुरली अकरिंग है, कुछ परसेंट ऐसे हैं जो आपके पास मेटलॉइड भी कंसिडर करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे पास क्या आते हैं, मेन मेड आते हैं। तो जैसे आपने देखा भी होगा कि जो 100 से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो लगभग सारे मेन मेड है, ठीक है। फिर भी इन्होंने एक वर्ल्ड प्रोडक्शन भी शो की कि भाई अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट आता है तो उसका हम लोग क्या नाम रखेंगे, राइट। तो आज यहाँ पर क्या है कि आपके पास अगर हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल उस किसको कहा जाता है, भाई हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट थे चाहे 63 थे चाहे आपके पास 30 थे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जिसको हमने अरेंज किया, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, जिनको हमने अरेंज किया है किसमें, अकॉर्डिंग टू उनकी प्रॉपर्टी, उसी को जनरली नाम दिया गया किसका, पीरियोडिक टेबल का। आज की डेट में तो हमारे पास बड़े सुंदर से पीरियोडिक टेबल हैं, ठीक है, कि कहते हैं ना मेंडलीव ने जो दी थी आपके पास ओल्ड और न्यू को मिला के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है हमारे पास। अगर हम पुराने दिनों की बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, तो वहाँ पर हमारे पास थोड़ा थोड़े चेंजेस आए थे कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही थी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग
चीज़ों को लेके अलग अलग प्रिडिक्शन दिया था, अलग अलग भविष्यवाणी की थी कि आने वाला टाइम अगर ऐसा होगा तो ये चीज़ें हो जाएंगे, ऐसा होगा तो ये चीज़ें हो जाएंगे। तो वही 9th की बातें हैं, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि थोड़ा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। तो हम लोग ये दो पोर्शन बना के चलते हैं, एक पोर्शन में तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ले लेंगे, एक पोर्शन में मेंडलीव के और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो भी उन्होंने डिस्कस की थी उनके बारे में वहाँ पे जान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं कि सर हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल तो हमने बता दिया आप अकॉर्डिंग टू, अगर हम लोग बात करते हैं उसके केमिकल और फिजिकल बिहेवियर के, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो उसको अगर हम लोग डेफिनेशन के तौर पे अगर हम लोग जानते हैं कोई पीरियोडिक टेबल की अगर डेफिनेशन देनी है तो उसको डिफाइन कर सकते हैं विच क्लासीफाई ऑल नॉन एलिमेंट किसके अंदर कहता है कि इन अकॉर्डेंस विच देयर द प्रॉपर्टी एंड सच सच दे या सच ए वे एंड दैट द एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी एंड ग्रुप टुगेदर। यानी हमने आपके पास क्या किया, जिन एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी हो रही थी उसको हमने एक ग्रुप में शो कर दिया, ऐसी हमने एक वर्टिकल लाइन बना दी जिसको हमने किसका नाम दिया था, पीरियड्स का। आपको याद होगा हमने वहाँ पर ग्रुप और पीरियड्स में उसको क्लासीफाई किया कि आज के डेट में हम लोग बात करते हैं तो 18 हमारे पास ग्रुप है, 7 पीरियड्स है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या किया, उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया ग्रुप और पीरियड में। जैसे हम लोग कई बार लाइन बनाते हैं स्कूल में ही जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो लाइन बनाते हैं तो उसमें क्या आता है अकॉर्डिंग टू हाइट खड़ा करते हैं, सबसे छोटा सबसे आगे, उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस टाइप से चलता है। ऐसे ही यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के बारे में था कि प्रॉपर्टीज़ जैसे जिनकी प्रॉपर्टीज़ आती गई उनको उसी प्रॉपर्टी के बिहाव पे ग्रुप और पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, क्लासीफाई किया गया। चलिए ये तो हो जाएगी डेफिनेशन की बात करते हैं, अब बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की। भाई हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की अगर बात करते हो ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो हमारे पास 4 साइंटिस्ट थे अलग अलग, कि अगर हम लोग इनकी बात करें कि 4 साइंटिस्टों ने आपके पास क्या क्या कहा, तो इन चारों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो हम लोग बात करेंगे किसकी, डेबोनियर की, कि डेबोनियर ने क्या कहा था। फिर बात करेंगे टेलरिक्स क्रू की जिसको हेलिक्स बोलते हैं, फिर बात करेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की, और फिर बात करेंगे लूथर मेयर अरेंजमेंट की। हालांकि इनका योगदान बहुत है, इनका जो योगदान है एक पीरियोडिक टेबल को बनाने में इनका योगदान बहुत है, क्योंकि देखो शुरुआत इन्होंने ही की थी और हम इसके इनके योगदान को जरा भूल नहीं सकते। तो बस छोटी छोटी बातें हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात करते हैं डेबोनियर ट्रायड्स की। तो 1817 के अंदर डेबोनियर आपके पास एक साइंटिस्ट था जिसने 1817 के अंदर आपके पास एक ट्रायड सिस्टम को जन्म दिया। ट्रायड सिस्टम को क्या कहा, इसने कुछ ट्रायड्स क्रिएट किए, भाई आपके पास अरेंज किया किसी भी एलिमेंट को इन ए ग्रुप एंड 3 एंड शो देयर द एटॉमिक वेट एंड देयर द नियरली सेम किससे द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल। यानी इसने कहा कि अगर हम लोग ट्रायड सिस्टम बनाते हैं, जैसे हमारे पास क्या था, इसने सिस्टम इस तरह से क्रिएट किया कि अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास सबसे पहला जो फर्स्ट ट्रायड था तो उसने आयरन की अगर बात करते हैं, आयरन Fe, यहाँ बात करते हैं कोबाल्ट और यहाँ बात करते हैं निकल। तो ये कहता है कि भाई इसका और इसका जो एटॉमिक मास है ना, किसका, निकल का और आपके पास किसका, आयरन का और निकल का जो एटॉमिक मास है, अगर हम इनका सम कर दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो वो किसका मास निकल जाएगा, कोबाल्ट का। तो ये फर्स्ट ट्रायड था हमारे पास, क्या था ये, फर्स्ट ट्रायड था। अगर मैं डिस्कस करूँ तो फर्स्ट ट्रायड हमारे पास क्या था, यही था कि फर्स्ट ट्रायड की अगर बात करोगे तो आप सबको पता है कि आयरन का अगर हम लोग एटॉमिक वेट लेके चलते हैं तो हमारे पास कितना आता है, तो आपको पता है कि 55.85, कितना आता है, 55.85। ये हम लोग बिल्कुल नियर बाय नहीं लेके चल रहे, बिल्कुल जो रियल में है इनका वही लेके चल रहे हैं, जबकि निकल की अगर बात करता है तो 58.71। तो कहता है इसका कितना आएगा, तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों के सम अगर डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आपको पता है कि वैल्यू कितनी आती है, तो हमें पता है आपके पास 58.93। तो ये जो ट्रायड देने वाला था ना, ये कौन था आपके पास, डेबोनियर ट्रायड। अगर इसकी सेकंड ट्रायड की बात करते हैं कि सर सेकंड ट्रायड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सेकंड ट्रायड में इन्होंने क्या लिया था, तो सेकंड ट्रायड में इन्होंने क्या लिया आपके पास, लिथियम ले लिया, लिथियम के साथ क्या ले लिया, सोडियम ले लिया और पोटेशियम ले लिया। कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लिथियम मेटल की, कि लिथियम ले लिया आपके पास, यहाँ ले लेते हैं सोडियम और यहाँ ले लेते हैं पोटेशियम। तो सबको पता है पोटेशियम का 39 होता है, लिथियम का 7 होता है। तो अगर आप देखो 39 और प्लस में 7 तो कितना आ गया, 46, और डिवाइड करो 2 से तो कितना मिल जाएगा, 23। तो इन्होंने कहा कि भाई जो 23 है ना वो किसका होगा, सोडियम का मास होगा। तो ये कहने वाला कौन था, ये कहने वाला था डेबोनियर। तो इसने कुछ ट्रायड्स दिए, इसने कुछ ट्रायड्स को आगे भी बढ़ाया, आपके पास 3-4 ट्रायड्स दिए।
और ट्रायड देने के बाद इनको दिखा भी कि भाई आपके पास, ये तो एक्चुअल में लग रहा है कि हाँ भाई आपके पास कि दो एलिमेंट का अगर हम लोग सम करते हैं एटॉमिक मास का, तो वो आपके पास उसका जो डिफरेंस होगा, उसका जो आपके पास मीन होगा अगर हम लोग उस दो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। ऐसे ही इन्होंने थर्ड लिया तो क्लोरीन ब्रोमीन आइडियल ले लिया। अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ कि थर्ड ट्राइड्स की बात करते हैं, तो थर्ड ट्राइड की अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्लोरीन था, ब्रोमीन था और आइडियल था। आइडियल आपको सबको पता है कि एटॉमिक नंबर हमारे पास 53 होता है, जनरल हम लोग बाद में याद रखेंगे, पर सबसे पहले एटॉमिक मास की बात करते हैं तो मास लेके चलते हैं। तो आप सबको पता है कि इसका कितना होता है, 35.5, ठीक है, इसका होता है 127, तो इसका निकालना था। तो दोनों को सम करो आपके पास, तो ये लगभग आपके पास कितना आता है, 160 के अराउंड। तो इसका जो ब्रोमीन का मास होगा वो कितना होगा, अराउंड 80 होगा, ठीक है। अब क्या अगर मैं एक्चुअल में लेकर देखें तो इसका कितना आता है, लगभग आपके पास 150 कितना आपके पास आ जाएगा, 162 के अराउंड आ जाएगा, यानी 81.5 समथिंग आना चाहिए, बट यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इसका 80 लिखा है। यानी आगे जैसे जैसे हम लोग फोर्थ पीरियड में आए या फोर्थ ट्राइड्स में आए, तो आपके पास क्या हो गया, इनमें ना लार्ज डिफरेंस आने लग गया किसमें, एलिमेंट्स में। क्या अगर हम लोग बात करते हैं कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बैरियम की, इसकी बात करते हैं आपके पास कैल्शियम, स्ट्रोनियम और आपके पास बैरियम की, तो इनका जो हमारे पास क्या था, कैल्शियम का आप सबको पता है 40 होता है, बैरियम का अगर हम लोग लेके चलते हैं तो बैरियम का अराउंड कितना होता है, 137, जबकि इसका कितना आता है, 87.5। अब ये बात तो हजम नहीं होती, बस समझ में आ गया। तो क्या हुआ, इन ट्राइड्स के अंदर नियरली तो हम लोग चले तो ठीक था, एक आधे एलिमेंट तक तो ठीक था, बाद में हमारे पास क्या आने लग गया, डिफरेंस आने लग गया, जो हमारे पास किसका काम किया आगे चल के, लिमिटेशन का। यानी जो डेवोनियर था वो आपके पास कुछ ही ट्राइड्स को टैली कर पाया, यानी देने वाला तो 1817 में था, ठीक है, जब तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हमारे पास क्या थे, कम से कम थे, पर क्या था, ये कुछ ही एलिमेंट तक ही अप्लीकेबल था। आगे जाके इसको क्या कर दिया, रिजेक्शन में डाल दिया, रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इनकी लिमिटेशन, इनकी जो कमियां साइंटिस्टों ने बताई, उन कमियों को वो जस्टिफाई नहीं कर पाया, उन कमियों को वो थ्योरी से जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो इस ट्रायड को फिर हम लोग ने क्या किया, इस ट्रायड को फिर हम लोग ने कैंसिल कर दिया कि इस ट्रायड का हमारे पास कोई यूज नहीं है। तो ये सिस्टम किसका था, ये सिस्टम सारा किसका था, डेबोनियर का। तो इसका मेजर ड्रॉबैक आपके पास यही था कि क्लासिफिकेशन ऑफ या क्लासिफिकेशन वॉज कंसेप्ट एंड ट्रायड एंड कुड बी अप्लाइड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, कि ये सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट तक ही अप्लाई था, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते जा रहे थे, तो हर किसी के लिए अप्लीकेबल था नहीं। तो फिर ये बात क्या हो गई, कैंसिल हो गई, आपके कैंसिल होके आपके पास फिर कौन आया, एक नया साइंटिस्ट आया जिन्होंने नई बात कही। देखिए उन्होंने क्या कहा, तो अगर उनकी बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा, हम लोग बात करते हैं टेलरिक स्क्यू की, जिसका अगर मैं एक वर्ड और लेता हूं तो हम लोग बात करते हैं हेलिक्स की। देखिए हेलिक्स का मतलब जनरली क्या होता है, कान का बाहरी हिस्सा, जैसे बायो वाले अगर जानते हो तो हेलिकल, मैथ वाले भी जानते हो हेलिकल, घुमावदार सीढ़ी को भी हेलिकल बोलते हैं, कान के बाहरी हिस्से को भी हेलिकल बोलते हैं। तो हेलिक्स की अगर बात करते हैं टेलरिक स्क्रू 1862, तो 1862 में इन्होंने आपके पास क्या कहा, भाई हमारे पास अगर हम 1862 की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी हमारे पास 63 थे। अब इन्होंने इसके बारे में क्या कहा, तो आपका पता है कि भाई अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने एक आपके पास ये एक जर्नल कहते ना, आपके पास जूलॉजिस्ट था। अब इन्होंने क्या किया, एक वर्टिकल सिलेंडर लिया और उसको एक डिफरेंट डिफरेंट लाइन में, आपके पास जैसे वर्टिकल सिलेंडर की अगर बात करते हैं, इस सिलेंडर इस तरह से लिया और इसको इस तरह से एक 45 के एंगल में यहाँ पर इस तरह से पार्ट बना दिए, राइट, 45 के एंगल में, सारे 45 के एंगल में बना दिए। तो जिनकी जो प्रॉपर्टी आई उनको आपके पास ए ए डैश ए डैश ऐसे रखता गया, यहाँ बी बी डैश इस तरह से रखता गया। तो ये भी आपके पास प्रॉपर्टी क्या थी, ये भी आपके पास जनरली अगर मैं हेलिकल बताता हूँ देखो ये हेलिकल बन रहा है, ऐसे हेलिकल की बात हो रही है, बस समझ में। तो इन्होंने जब डिस्कस किया तो ये भी आपके पास क्या थे, नंबर ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड, क्योंकि इन्होंने भी आपके पास एटॉमिक मास एटॉमिक वेट के आधार पे इनको एक साइड में और एक साइड में आपके पास रखने की कोशिश की, कि हेलिकल आपके पास एक डायग्राम बनाया कि आपके पास एक तरफ आपके पास सिमिलर प्रॉपर्टीज़ या सिमिलर आपके पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट होंगे, दूसरी तरफ सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक ग्रुप एंड पीरियड्स। बट ये भी आपके पास क्या थे, क्योंकि जिस समय नंबर ऑफ कंपाउंड्स ही, क्योंकि हम लोग बात करें कितनी किसकी 62 की, हालांकि आपके पास 50-60 कंपाउंड बन चुके थे, बट ये बात भी आगे क्या हुई, हजम करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग बस यही था कि अगर आप लोग इन सिलेंडर को एडजेंस साइन में इक्वल करते हो, तो इन्होंने एक तो यहाँ पर आपके पास जो जनरल एटॉमिक वेट लिया था वो किसका लिया था, आपके पास हमारे पास लिया था ऑक्सीजन का, जो आगे जाके जनरली किसी के साथ मैच नहीं खाया।
ठीक है, तो इसको भी फिर रिसीव नहीं किया गया, इसको भी फिर मना कर दिया गया कि भाई हम इन चीजों को नहीं मानते। फिर अगर आगे चलते हैं तो आपके पास अलेक्जेंडर न्यूलैंड आया, अलेक्जेंडर न्यूलैंड कितने 1865 में, हेलिक्स के बारे में कुछ ज्यादा भी नहीं दे रखा, तो थोड़ा सा आप लोग इतना टैली करके चलना कि हेलिक्स ने क्या कहा था। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ये बड़ा फेमस होता है 9th क्लास में, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। 9th क्लास में सिर्फ इतना बताया जाता है इसके अंदर कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या कहा, तो उसको सारे गामा पादा निसा कि भाई हम लोग जैसे सारे गामा म्यूजिकल नोट्स के ऊपर इसको रखा गया था, और कहा गया था कि जो सातवां एलिमेंट आएगा वो सिमिलर होगा आपके पास पहले एलिमेंट जैसे, यानी हर सातवां एलिमेंट सिमिलर होगा आपके पास, जैसे हमने जो भी आपके पास लेके चलते हैं सारे गामा, तो इन्होंने आपके पास उस तरह से रिप्रेजेंट किया कि चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हम लोग इसको रख सकते हैं। तो सात एलिमेंट हम लोग रखते हैं, पहले कौन से, फर्स्ट से लेके सात तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 1 में हम लोग कौन रखते हैं, तो 1 में हम लोग रखेंगे आपके पास लिथियम के बाद बेरिलियम, पहले रखते हैं लिथियम, लिथियम आपके पास बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फिर आपके पास यहाँ से चलेंगे क्या 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ से 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से आएंगे आपके पास, तो हमारे पास यहाँ आते हैं प्लस सोडियम मैग्नीशियम, सर ये हो गया आपके पास सोडियम मैग्नीशियम एलुमिनियम सिलिकॉन, ठीक है आपके पास फॉस्फरस, 16 आपके पास क्या आएगा, 16 सल्फर और क्लोरीन, ये हमारे पास जनरल आता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप चलते हो तो और हम लोग लेके चले तो थोड़ा सा और लेके चल लेते हैं, 15-16 और रख लेते हैं, तो 15-16 की अगर बात करते हो तो आपके पास क्या होता है, यहाँ 15 और यहाँ 16, तो ये हमारे पास कौन आ जाएगा आपके पास, पोटाशियम ले लो और कैल्शियम, तो पोटाशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, तो ये हमारे पास थे। तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो सा रे गा मा पा धा नी सा, हरे गामा पा धा नी सा, इस तरह से हम लोग यूज कर रहे थे कि सा रे गामा पा ध नी, और फिर यहाँ पर आके वापस क्या आता है सा। तो अगर आप देखते हो कि हम लोग अगर सा से कंपैरिजन करते हैं तो लिथियम और सोडियम इनकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी। आप अगर लेके चलते हो सर यहाँ से लेके चलो सा रे गामा पा ध नी सा, तो एल्युमिनियम और बोरोन इनकी प्रॉपर्टी लगभग लगभग सिमिलर है, और हम लोग जानते भी हैं इनकी प्रॉपर्टी, हम लोग पढ़ के भी आते हैं कि भाई सिमिलरिटी शो करते हैं। ऐसे ही इन्होंने कहा कि अगर आप कंपैरेटिवली करते हो 7 नोट्स के ऊपर तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर। बट फिर भी क्या हुआ, इन्हें इनकी भी मेन वही समस्या थी कि इन्होंने भी लिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में ही बता पाए, कि इन्होंने कोशिश तो बहुत की थी कि भाई आपके पास एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास के बिहाफ पे इसको अरेंज कीजिए रेगुलरली, और अरेंज भी हुआ था। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं भाई अरेंज भी हुआ था, हमें पता है भाई क्लोरीन के नीचे जनरली क्लोरीन ही आता है, ऑक्सीजन के नीचे जनरली सल्फर ही आता है, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस ही आता है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन ही आता है, तो ये जस्टिफाई हुआ भी, बट क्या था, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। तो फिर हम लोग इसको क्या करें, हम भी नहीं पढ़ पाए आगे, हमने भी इसको फिर क्या किया, एक ड्रॉबैक्स में इसके लिमिटेशंस के आधार पर इसको भी क्या किया, रिजेक्ट किया, इसके बारे में भी हम लोग फिर आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आगे देखिए नेक्स्ट अगर लेके चलते हैं तो नेक्स्ट में क्या कहता है इसमें, नेक्स्ट में आपसे कहा गया कि भाई लूथर मेयर, अब लूथर मेयर ने क्या बनाया, लूथर मेयर अरेंजमेंट 1869 में दी, और इसने बताने के लिए सिर्फ क्या किया गया, इसने ग्राफ प्लॉट किया गया एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बिहाफ पे। तो आपने देखा होगा इस तरह से हमारे कोई ग्राफ बनाते हैं जहां पर आपके पास एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम ये रखा गया, ठीक है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनाया गया आपके पास ऐसे जिगजैग फॉर्म में ही हो, और जो भी आपके पास वो थे जैसे आपके पास एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उन्होंने आपके पास कुछ एलिमेंट्स पीक पे रखे गए इस तरह से, यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो तो इस तरह से दिखेंगे आपके पास, ठीक है, कुछ एलिमेंट आपके पास यहाँ मिलेंगे इस तरह से, ऐसे कुछ एलिमेंट इन्होंने बीच में दिखाए इस तरह से, ठीक है, ये सारे वैसे ही होंगे जैसे आपके पास लिथियम से लेकर हम चलते हैं, भाई लिथियम हो गया आपके पास, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आपके पास नियॉन हो गया, आपके पास सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, तो इनका अगर हम लोग केस लेके चलते हैं तो लगभग लगभग आपके पास पीक पे वही एलिमेंट मिले जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी,
बीच में अगर आते हैं तो वही एलिमेंट मिले जिनको हमने ग्रुप से डिसाइड किया गया। यानी लूथर मेयर ने कहा कि अगर आप किसी का एटॉमिक वेट इंक्रीज करते हो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वॉल्यूम, तो आपके पास वॉल्यूम में जैसे हमने पीक पे दिखा दिया एलिमेंट तो इनकी प्रॉपर्टी कुछ सिमिलर होगी, डाउन में दिखाया आपके पास तो ये एलिमेंट इनकी प्रॉपर्टी कुछ सिमिलर होगी। तो ये कहने वाला कौन था? ये कहने वाला था लूथर मेयर। बट फिर वही वाली बात आती है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने थे, क्योंकि कब दिया था इन्होंने 1869 में, यहाँ तक आते आते हमारे पास कितने एलिमेंट, भाई 1865 तक अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास 63 एलिमेंट थे, 4 साल में एक दो और बढ़ गए होंगे। तो हमारे पास जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 70। उसके बाद यानी इनके भी ड्रॉबैक, यानी इनकी भी थ्योरी को रिजेक्ट करने के बाद आप सबको पता है कि एक थ्योरी आई जिसका नाम था, या जिस साइंटिस्ट का नाम था, मेंडलीव। मेंडलीव ने आपके पास क्या था कि जब मेंडलीव ने, अगर हम लोग मेंडलीव की बात करते हैं तो देखो मेंडलीव ने आपके पास क्या कहा, मेंडलीव ने सिर्फ ये बताया कि सर जब मेंडलीव जब डिस्कवर करने आया था, या मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट किया था, तो उसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 63 थे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 63 थे। तो 63 नंबर ऑफ एलिमेंट आने के बाद उसके पास क्या रहा, उसको पता था कि भाई अगर मेरे पास 63 नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उन्होंने क्या किया, एक कार्ड की तरह, आपको देखा होगा आपने, उसने कार्ड की तरह जैसे हम लोग प्ले कार्ड लेते हैं, एक कार्ड में आपके पास क्या करा, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी लिखता गया और दीवार पे उसको अरेंज करने लगा गया। तो उसने क्या देखा, उसने देखा 65% एलिमेंट ऑटोमेटिक अरेंज हो गए, और 65% एलिमेंट ऑटोमेटिक जब अरेंज हुए तो ये इसके लिए आपके पास क्या था, एक कहते ना मील का पत्थर साबित होने वाला था। फिर उसने वहाँ प्रिडिक्शन भी की, बहुत सारी बातें बताई। तो अब हमारे पास जो आपके पास क्या है कि आप लोग पहले इसको रिपीट करोगे, अच्छे से देखोगे कि छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो आपके पास पहले क्या है कि हम लोग उन चीज़ों को जान लें जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, फिर हम लोग मेंडलीव में एंटर करेंगे, क्योंकि ये पार्ट तय कैसा हो गया। फिर मेंडलीव ने ओल्ड पीरियोडिक टेबल में क्या कहा था, न्यू पीरियोडिक टेबल में क्या कहा था, ओल्ड में इन इन बातों को रखा था तो उसके जो ड्रॉबैक्स थे उसके लिमिटेशन को पूरी किसमें की, फिर न्यू पीरियोडिक टेबल में की, फिर क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, बस समझ आ गए। तो इनको पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है, पहले हम लोग इनको स्टडी करेंगे, रफली कर लेना, ऐसा कोई ज़्यादा आपके पास नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन इतने नहीं मिलते हैं, ना एमसीक्यू में आते हैं ना जर्नली, या जर्नली एक इंट्रोडक्शन और थर्टिकल पार्ट है, ठीक है। तो लाइन टू लाइन अगर आप एनसीईआरटी से भी टैली कर लेते हो तो कोई नीड नहीं है आपके पास किसी एक्स्ट्रा बुक्स को फॉलो करने के लिए। तो जस्ट आप इसको पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद हम लोग इसमें आते हैं, फिर मेंडलीव में आते हैं कि मेंडलीव ने क्या कहा था। थैंक यू।